नमस्कार। देश की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार कोई समलैंगिक जज बन सकता है। जी हां, आज अपन बात करेंगे सौरभ कृपाल की, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सौरभ कृपाल। ये समलैंगिक हैं और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनकी सिफारिश की है गवर्नमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए। अभी हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि इनकी नियुक्ति कब होगी, लेकिन अगर सौरभ कृपाल की नियुक्ति होती है तो देश के इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई समलैंगिक जज बनेगा। तो यह सौरभ कृपाल क्या है और आज अपन इनके बारे में जानेंगे, और ये समलैंगिकता क्या है इनके बारे में अपन जानेंगे। आइए, देश को जल्द मिल सकता है पहला समलैंगिक जज। जी हां, कौन है सौरभ कृपाल जिनको सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने गवर्नमेंट को सिफारिश की है दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए। ये सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और पूर्व जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। इनके फादर भी पूर्व जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका नाम है बीएन कृपाल। ये पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के साथ बतौर जूनियर भी काम कर चुके हैं। सौरभ कृपाल जो अभी की गवर्नमेंट है, मुकुल रोहतगी जो पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, उनके अंडर भी इन्होंने बतौर जूनियर भी काम किया है। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इनके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री है। ये सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 दशक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सौरभ कृपाल सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का। जब सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अवैध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 पर अहम फैसला दिया था, तब इस मामले की पैरवी खुद सौरभ कृपाल ने ही की थी। देखिए आप, जब 377 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, तब इस मामले की पैरवी खुद सौरभ कृपाल ने ही की थी। सौरभ कृपाल सिविल, कॉमर्शियल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। क्या है LGBTQIA+ समुदाय? ये 7 तरीके के समुदाय हैं और प्लस और भी अपन इसको मिला सकते हैं। ये क्या है और इस समुदाय से जुड़े एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल, जिसको पहली बार भारत के न्यायपालिका के इतिहास में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से, तो आज अपन जानेंगे कि ये LGBTQIA+ समुदाय है क्या और सौरभ कृपाल इस समुदाय से आते हैं, तो इसकी आज पूरी डिटेल अपन जानेंगे कि ये है क्या। देखिए आप, एल का मतलब होता है लेस्बियन, उनके लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है महिलाओं या लड़कियों के लिए किया जाता है जो समान जेंडर के प्रति आकर्षित होती है, यानी अपन कह सकते हैं लड़की लड़की के बीच में आकर्षण होता है। लेस्बियन शब्द उनके लिए यूज किया जाता है जिनके लड़की लड़की के बीच में अगर आकर्षण होता है तो उनको लेस्बियन कहा जाता है। गे, जी को गे भी कहा जाता है। इसका प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है, यानी इसमें पुरुष पुरुष के बीच में आकर्षण होता है। एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल, जिनको अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश की गई है, वो इसी श्रेणी से या इसी कैटेगरी से आते हैं, गे कैटेगरी से। बी का मतलब होता है बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का अर्थ ये होता है अगर कोई आदमी या औरत दोनों तरह के जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं तो इन्हें बाईसेक्सुअल कहा जाता है। बाईसेक्सुअल ये कह सकते हैं कि कोई भी आदमी आदमी के तरफ भी आकर्षित हो रहा है और आदमी औरत के तरफ भी आकर्षित हो रहा है तो उसको बाईसेक्सुअल कहा जाएगा। कोई औरत के प्रति आकर्षित हो रही है या औरत पुरुष के प्रति आकर्षित हो रही है तो
तो भी उसको बाईसेक्सुअल कहा जाएगा। बाईसेक्सुअल यानी दोनों तरह के आकर्षण रखना, उसको बाईसेक्सुअल कहा जाता है। टी टी यानी ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनको किन्नर कहा जाता है। इनके जन्म के समय निजी अंग तो लड़कों वाले होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो खुद को एक लड़की की तरह महसूस करने लगते हैं। जो ये किन्नर होते हैं ना, जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है इंग्लिश में, जब ये पैदा होते हैं तब तो इनके निजी अंग लड़कों जैसे होते हैं, लेकिन जब ये बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तब इनको एक लड़की जैसा फील महसूस होने लगता है। क्यों? क्लियर? ये ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर की चाहत को समझ नहीं पाए हैं, यानी ये खुद को न तो औरत मानते हैं, न महिला मानते हैं, न बाइसेक्सुअल मानते हैं, न ट्रांसजेंडर मानते हैं। क्यों कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की जो चाहत होती है उसको समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए वो औरत है या महिला है या ट्रांसजेंडर है या बाइसेक्सुअल है या किसी भी तरह की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, वो समझ नहीं पाए कि हम क्या हैं। आई इंटरसेक्स, ये वे लोग होते हैं जो सामान्य प्रजनन अंगों के साथ पैदा नहीं होते हैं, ये दिखने में महिला या पुरुष जैसे नजर आते हैं पर प्रजनन अंग जेंडर के नहीं होते हैं। आई इंटरसेक्स वाले ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य प्रजनन अंगों के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन दिखते हैं औरत या पुरुष जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके जो प्रजनन अंग होते हैं ना वो जेंडर के जैसे नहीं होते हैं। ए ए कैटेगरी, ए ए सेक्सुअल, यह वह कैटेगरी होती है इसमें किसी भी तरह के जेंडर की तरफ आकर्षित नहीं होता है। यह कैटेगरी ऐसी है इसमें किसी भी तरफ के जेंडर की तरफ आकर्षित नहीं होते, ना औरत की तरफ आकर्षित होते हैं ना पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं, इसमें मतलब आकर्षण किसी की तरफ नहीं होता है। अब प्लस LGBTQIA के पीछे प्लस का चिन्ह क्यों लगाया है, समुदाय के पीछे प्लस का निशान क्यों जोड़ा गया है? जो LGBTQIA की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं वो अपने आप को इस प्लस समुदाय से जुड़ सकते हैं, मतलब जो इस कैटेगरी में फिट नहीं आते हैं और भी उनके कोई तरह तरह की भावनाएं हैं या फीलिंग्स है वो इस प्लस समुदाय से जुड़ सकते हैं। इसीलिए इस LGBTQIA के पीछे ये प्लस का समुदाय का निशान चिन्ह जोड़ा गया है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।